कुदरत ने दो ऐसे नाग रखे हैं, चश्मे रखे हैं, जो कि बहुत सी बीमारियों का इलाज उनमें है, पोषित है। जिस तरह दिब्जन नाग है, वहाँ पर हजारों लोग जिनको कश्मीरी में उसको बोलते हैं रिहार बीमारी। यह खुदावंद करीम का फजल करम है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा को खुदा ताला ने अपने फितरती ऐसे मनाजिर से संवारा है कि जो कि जन्नत का एक टुकड़ा है। लेकिन इस जन्नत के टुकड़े को रोज़ ब रोज़ संवारने में जो पुलवामा की एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है, इसने आज तक 75 साल हमें हुए आज़ाद हुए, लेकिन 75 साल में जितनी भी हुकूमतें वजूद में आई हमारी आज़ादी 1947 के बाद, लेकिन आज तक पुलवामा से जितने भी असेंबली मेंबरान, मिनिस्टर्स, MLCs और दीगर पार्लियामेंट मेंबर मुंतखब हुए हैं, उन्होंने आज तक हमारे इस डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के इस कुदरती मनाजिर को टूरिस्ट पॉइंट पर नहीं उजागर किया है। अगर ऐसा होता तो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में जितना भी यूथ है वो सब रोज़गार कमाते होते, और जो यहाँ पर जो इलाका है संगरवनी, हम इस वक्त नंबल में हैं, ये नंबल का नंबल की सपोर्ट है। अगर इसको डेवलप किया होता तो अरबों रुपए खरबों रुपए इस डिपार्टमेंट की वजह से यहाँ कश्मीर में दाखिल होता है। मेरी रिक्वेस्ट यही है गवर्नर इंतज़ामिया J&K से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, मेरी यही इंतज़ामिया या गुजारिश है कि वो अपनी फिर से अवल में इस काम की तरफ तवज्जो दे, ताकि जो यहाँ का यूथ इस वक्त दर बदर भटक रहा है, बड़ी डिग्रियाँ हासिल की हैं, लेकिन वो रोज़गार की तलाश के लिए उनको इस मुल्क से दूसरे मुल्कों में जाने चला जाता है। लेकिन अगर इसको टूरिस्ट बेस पर इसको ये एक अहमियत देते हैं तो यहाँ का यूथ कब, ये मुमकिन नहीं था कि वो यहाँ से भाग जाएगा और अपने रोज़गार के लिए दर बदर ठोकरे खाते रहेगा। जम्मू कश्मीर के तमाम अजला, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग हो, बारामुला हो, कुपवारा हो, पुलवामा हो, शुपियान हो, बांडीपोरा हो, मैंने इन सब जगहों का मुआयना किया है, लेकिन किसी चीज़ की रौनकी को बढ़ाने के लिए, किसी चीज़ की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए उसको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से संवार और गंवारना पड़ता है। जब भी कोई सपोर्ट, चाहे वो दौद्रपथरी है जो ऐसे खान साहब ने, जो मोहम्मद यासीन ने उसको टूरिस्ट ऐसे नक्शे पर लाया, तो इस वक्त वो वादी का नमूना बन गई है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में ये नंबल एरिया जो है, अगर इसको भी टूरिस्ट स्पॉट पर लाया होता तो आज इसकी हालत बदल ही होती। पर कुदरत ने दो ऐसे नाग रखे हैं, चश्मे रखे हैं, जो कि बहुत सी बीमारियों का इलाज उनमें है, पोषित है। जिस तरह दिब्जन नाग है, वहाँ पर हजारों लोग जिनको कश्मीरी में उसको बोलते हैं रिहार बीमारी लगती है, वो उसमें हज़ारों मील दूर से आकर उसमें नहाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह इस नंबल में भी ऐसे दो चश्मे हैं, एक गर्म है, दूसरा सर्द है। अगर इनको एस्टेब्लिश किया होता तो यहाँ पर भी लाखों लोग आकर मुस्तबीत होते। पुलवामा से लगभग ये ऐसे ही 25-30 किलोमीटर दूर है,